खबर रीवा से, जहां आने वाले ईद के साथ अन्य त्योहारों को लेकर पुलिस मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए पहले से ही पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी धर्मावलंबियों के साथ बैठक की जा चुकी है। सोमवार को कंट्रोल रूम में जिले का पुलिस बल एकत्र हुआ, जिसके द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। जिले के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस भ्रमण करेगी। फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह भरोसा दिलाना है कि वो निडर होकर अपना काम करें और असामाजिक तत्वों के लिए संदेश देना है कि अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित की गई तो उनके साथ पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा। आइए सुनाते हैं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने क्या कहा। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि और परशुराम जयंती के अवसर पे हम लोगों ने तैयारियां, मेरी बात सबको किसी वक्त महिला हो चल रहे हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या खराब हो तो हाथ खड़ा कर सकता है वो। सर आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? जैसा कि आप लोगों को सबको जानकारी है कि आने वाले समय में भी त्यौहार, ईद का त्यौहार है, परशुराम जयंती है, उसके दिल्ली जलसे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति कायम करने के लिए पुलिस फोर्स के द्वारा हमारे SP साहब के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जो जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में घूमेगा और जिले के खास कस्बा क्षेत्र के ऐसे इलाकों में घूमेगा जहाँ पर लोग इसको देखें और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, नंबर एक। और जो असामाजिक तत्व हैं उनके मन में ये भय रहा है कि हमको कोई बदमाशी नहीं करना है, नहीं तो हमारे खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। सर ये कहाँ से कहाँ निकलेगा फ्लैग मार्च? अभी ये फ्लैग मार्च का रूट रहेगा, ये कंट्रोल रूम से शुरुआत हुई है इसकी, ये कंट्रोल रूम के बाद शिल्पी प्लाजा जाएगा, रसिया मोहल्ले से होते हुए फिर प्रकाश चौराहा जाएगा, प्रकाश चौराहे के बाद फिर ये अस्पताल चौराहे होते हुए धोबिया टंकी जाएगा और धोबिया टंकी के बाद से फिर ये कोतवाली क्षेत्र का जो संवेदनशील एरिया है वहाँ की गलियों में घूम के ये फिर सोनी बिल्डिंग के पास निकलेगा। वहाँ से फिर एरिया क्या लंबा हो जा रहा है, इसके बाद फिर फ्लैग मार्च अभी पैदल जा रहा है, उसके बाद वाहनों का उपयोग किया जाएगा और फिर ये फ्लैग मार्च अमैया रोड होते हुए सिरमौर चौराहे पहुँचेगा, वहाँ से यूनिवर्सिटी का नीम चौराहे से यूनिवर्सिटी तिराहे से होते हुए वापस सिरमौर चौक से फिर सामान बाणसागर कॉलोनी जाएगा, वहाँ से फिर PTS होते हुए बिछाया जाएगा। इस तरह से फ्लैग मार्च का रूट है। सर इसके वो भी है जो ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें जो आने वाला रूट है उसको भी इसमें चिन्हित किया जाएगा, जैसा कि बताया गया कि सारे जुलूसों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और इसी तरह सारे त्योहारों में ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी, इसलिए वो ड्रोन कैमरा भी पुलिस के फ्लैग मार्च को कवर करेगा।